तरीके से आम आदमी पार्टी की खेमेबाजी चरम पर है, उसी पर सवाल उठाते हुए कुमार विश्वास ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बड़े नेता की शह अमानतुल्लाह खान को ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर यही वाकया, अगर इसी तरह का आरोप अमानतुल्लाह खान ने पार्टी के बड़े नेताओं में से एक यानी कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया पर लगाया होता तो कब का उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया होता। कल रात को भी आपको याद है पीएसी की बैठक से बाहर निकलने के बाद अमानतुल्लाह खान अपने बयान पर कायम नजर आए थे। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि वो पीएसी से इस्तीफा दे चुके हैं लेकिन अभी भी अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि किस तरीके से कुमार विश्वास को आरएसएस और उसी के बाद आज कुमार विश्वास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात सामने रखी है। और चलिए आपको दिखाते हैं कि कुमार विश्वास ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या। कोई अगर ऐसी बात अरविंद के बारे में बोलते तो हम सहन नहीं करेंगे, मनीष के बारे में बोलते तो पूरी पार्टी सहन नहीं करेगी। विधायक कह रहे थे जी बिल्कुल निकलना चाहिए, कार्यकर्ता कह रहे थे, पर कल जब उसने दोबारा बोला तब मुझे लगा कि ये रामविलास पासवान जी की पार्टी में से आया हुआ पहली बार का विधायक नहीं बोल रहा, ये सिर्फ मुखौटा है, इसके पीछे से कोई और बोल रहा है। जीवन में ना कभी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है, ना पार्टी अध्यक्ष बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है, ना कोई स्वराज आंदोलन ज्वाइन करना है। मैं यहाँ इस काम के लिए नहीं आया था। मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं पर मैं इस काम के लिए नहीं आया था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक दिन में निर्णय ले लूंगा और मसला देश का होगा तो बोलूंगा, सेना का होगा तो बोलूंगा, और ये भी चेतावनी नहीं दे रहा, अनुरोध कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ मत करिए जिससे सड़क पर खड़े हुए कार्यकर्ता जिसने आपके लिए नौकरी छोड़ी, जिसने चना खा के आपके लिए लड़ा, मैं फिर भी कुमार विश्वास रहूंगा, मुख्यमंत्री फिर भी अरविंद केजरीवाल रहेंगे, उप मुख्यमंत्री फिर भी मनीष रहेंगे, लेकिन वो कार्यकर्ता जिसको कोई नहीं जानता, जो पोस्टर चिपकाता था, जो आपके लिए लड़ता था, आप उस पर लात मत मारिए। जो भी ये साजिशें नीचे कर रहे हैं, ये बला की साजिशें, ये पैतरे मेरे खिलाफ रायगा है, मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं हूँ। मैं आज रात सोचूंगा, निर्णय लूंगा और जल्दी आपको बता दूंगा, लेकिन वी द नेशन के लिए, अपने वीडियो के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। सैनिक के सम्मान के लिए, राष्ट्र के सम्मान के लिए मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। तो कुमार विश्वास अपनी बात पर अड़ेगा, बहुत ही साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि वो किसी भी बात के लिए माफी नहीं मांगेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कुमार विश्वास के बागी तेवरों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उनका कहना यह है कि आम आदमी पार्टी का अंदरूनी मामला है लेकिन इससे पहले दिल्ली का नुकसान हो रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बीजेपी को भी एक बड़ा मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने का। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता पंकज जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। पंकज, जानना चाहेंगे, इंतजार किया जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं मनीष हो गया, क्या वक्त रखा गया उसका? देखिए, कभी भी मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर निकलेंगे और उन तमाम बातों का जवाब देंगे जो कुमार विश्वास ने सवाल खड़े किए हैं, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि कुमार विश्वास ने जिस तरीके से अपने तीखे तेवर दिखाए हैं वो कहीं ना कहीं बेहद नाराज थे और उनका मन दुखी भी था। लेकिन इन तमाम बातें को लेकर जब आम आदमी पार्टी के बड़े नेतृत्व के पास उनके सदस्य पहुंचे तो उन्होंने यही कहा कि अब वक्त आ गया है कि साफ तौर से इन तमाम जो सवाल हैं उनका जवाब दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम बड़े नेता है, चाहे सतीन जैन हो, गोपाल राय हो, संजय सिंह, आशुतोष, ये लोग बैठक कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के घर पे और जो कुछ भी कुमार विश्वास बोल रहे थे उसको बारीकी से सुन रहे थे। तो अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी पार्टी नेतृत्व के सामने, खासतौर से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कि किस तरीके से इन सवालों का जवाब दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अगर ये कह दिया है कि अमानतुल्लाह खान महज एक मुखौटा है तो इस सवाल का जवाब ढूंढना आम आदमी पार्टी के लिए फिलहाल एक बड़ा मुश्किल काम होगा। बहुत ही अहम सवाल यह है पंकज, जो लगातार हम कल से कह रहे थे कि अमानतुल्लाह खान किसकी शह पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और जिस तरह से पीएसी से